सो बेटे आज का टॉपिक हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटे हमारे पास? देखो बेटा, इज द फिनोमिना ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन और केमिकल चेंज बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या आप ऐसा बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए डेफिनेशन हो तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। या फिर बोल सकते हैं फिनोमिना ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा? या फिर इसके डेफिनेशन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज फिनोमिना ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, फिनोमिनन ऑफ केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक, कि अगर हम क्या करें किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को पास करवाएं, उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन हो और उससे केमिकल एनर्जी बने तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं बेटा। ठीक, एक बात समझो, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रॉन यानी करंट, लिसिस का मतलब तोड़ना, करंट डाल के तोड़ना। बट बेटा करंट डाल के तोड़ना इज नॉट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में रिडॉक्स चेंज होना चाहिए, कोई रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने भी चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने भी चाहिए। ठीक, डी इलेक्ट्रोनेशन भी होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेशन भी होनी चाहिए यानी ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए, रिडक्शन भी होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अदरवाइज तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को सिर्फ पानी में भी डालोगे तो बेटे वो इलेक्ट्रोलाइज हो ही जाएगा, वो टूट ही जाएगा। ठीक, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर मान लो आपने NaCl को वाटर में भी डाला तब भी तो Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव बन जाएगा, पर वो इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी है। इलेक्ट्रोलिसिस है जब हम करंट डालते हैं और करंट डालने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के आयन जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेशन भी होती है और उनकी डी इलेक्ट्रोनेशन भी होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, उनमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिससे हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बिल्कुल अलग है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बिल्कुल अलग है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम दो हाफ सेल लेते थे बेटा, यहां पे हम एक ही वेसल लेते हैं, वी टेक ओनली वन वेसल इन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, और उसी वेसल के अंदर एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, से मैंने एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले लिया, ठीक है जी, और उसी के अंदर इलेक्ट्रोड एक के अंदर ही डाल देते हैं, इसी के अंदर हम इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए। ठीक बेटे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट बनता है बाय केमिकल चेंज, यहां ऐसा नहीं होता, यहां हम करंट देते हैं। ठीक है, यहां हम करंट दिया करते हैं बेटा, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ोगे वो एनोड कहलाएगा। ठीक, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ोगे उसको कैथोड बोलेंगे, यानी यहां एनोड और कैथोड की पोलैरिटी डिफरेंट हो जाती है। यहां एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। यहां पे एग्जैक्ट मतलब ये है कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड टू विच
electrode to which anions move, जिसकी तरफ anions आ जाते हैं उसको बेटा हम एनोड कहते हैं। और वहीं पर जो बेटा यहां पे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड उल्टा हो गया बेटा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा था, तो यहां कैथोड वो है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड टू विच कटायंस मूव, जिस साइड कटायंस मूव्स करते हैं ठीक, कटायंस मूव करते हैं उसको कैथोड बोलते हैं, तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन ये बात हमेशा सच है कि अश्विनी सर का नाम चेंज नहीं होगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, अपना माइक बंद रखो, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगी। सेल चाहे जो मर्जी होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल होगा, इलेक्ट्रोलिटिक होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। खास बात समझिएगा, यहां पे जो हम सेल लगा रहे हैं ऊपर, ठीक है जी, जो भी हम यहां पे व्हाट यू कैन से बैटरी लगा रहे हैं, ठीक, ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन पंप की तरह वर्क करती है, इट वर्क्स एज इलेक्ट्रॉन पंप। ये जो बैटरी यूज हुई यहां पर, सो बैटरी यूज्ड इज एनोड इज इलेक्ट्रॉन, क्या दिलचस्प है इतनी, इलेक्ट्रॉन पंप, ये इलेक्ट्रॉन पंप की तरह यूज करते हैं, इट्स यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन पंप। जस्ट अ सेकेंड, क्या है यार, बिल्कुल तेरे को सुनता नहीं है भाई, मैंने कहा अपना माइक बंद कर। Don't you understand? Battery used is electron pump. Battery जो है वो electron pump की तरह use होती है। क्या होता है, यहां से electron को लेता है, positive है ना, तो anode पे oxidation होनी है, electron निकलने हैं। जैसे anode पे कोई metal है, metal ने oxidize होना है और oxidize होकर के electron को देना है, उस electron को anode ने दे देना है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ले लेना है। और वहीं पर यहां पे वही इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देना है, किसने, कैथोड ने। तो ये इलेक्ट्रॉन पंप की तरह वर्क करती है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन खींचती है दूसरी साइड से देती है, एनोड से इलेक्ट्रॉन खींच के कैथोड की तरफ देती है। तो बैटरी वर्क्स एज इलेक्ट्रॉन पंप, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन टेक्स इलेक्ट्रॉन from anode, takes electron from anode and gives it to cathode. तो इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करती है। दूसरी बात, यहां पे खास बात ध्यान रखना, जो हमारे पास करंट होना चाहिए, the electric current pass through should always be DC. The electric current passed through, जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर रहे हैं बैटरी के थ्रू, must always be डीसी, यानी डायरेक्ट करंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डायरेक्ट करंट बेटा, अगर एसी होता है तो वो फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस, यानी दो तरीके से चलता है, फॉरवर्ड जाता फिर बैकवर्ड आता, फॉरवर्ड उससे जितना रिएक्शन फॉरवर्ड होगा उतना ही बैकवर्ड आ जाएगा, तो नेट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके प्लस टू में पूछेंगे कि भाई हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और डीसी क्यों यूज करते हैं, एसी क्यों नहीं करते। आप बोलोगे एसी जो होता है वो फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस दोनों तरह चलता है, पहले आगे जाता है फिर साइकिल्स में चलता है, फॉरवर्ड साइकिल बैकवर्ड साइकिल। तो जितना प्रोडक्ट बनेगा जब बैकवर्ड होगा उतना ही खत्म हो जाएगा, तो नो नेट प्रोडक्ट कैन बी हैड। तो हमें यहां पे डायरेक्ट करंट चाहिए जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे, उसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, क्लियर होगी बात। तो वो डीसी होता डायरेक्ट करंट, तो हम यहां पे डायरेक्ट करंट ही हमेशा यूज करेंगे, कभी भी एसी यूज नहीं करेंगे,
नहीं तो जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा उतना बैकवर्ड में आ जाएगा, नेट रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक, अब बेटे देखो आगे चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस समझने के लिए। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेके चलने होंगे। वी विल टेक सम एग्जांपल्स, तब हम इलेक्ट्रोलिसिस को समझ सकते हैं। यस रैना, व्हाट यू वांट टू आस्क, क्विकली आस्क। सर ये जो आपने डीसी करंट का बताया कि ये क्यों यूज होता है, सर इसकी लिखवा दोगे एक्सप्लेनेशन? बेटे मैंने बताया कि एसी करंट जो होता है उसका मतलब ही क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग, इट मूव्स इन टू साइकल्स, एक फॉरवर्ड साइकिल से बैकवर्ड साइकिल। जब आप इसको फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको पढ़ाएंगे फॉरवर्ड बायस एंड बैकवर्ड बायस, तो पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, यानी उल्टा साइकिल, उल्टे चलते रहेंगे। तो जितना प्रोडक्ट बनेगा जब उसका रिवर्स बायस आएगा वो प्रोडक्ट पीछे आ जाएगा वापस, तो दोबारा से आगे दोबारा से पीछे, जितना आगे उतना पीछे। तो जितना आगे उतना पीछे हो जाने की वजह से हमारे पास नेट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। ठीक, यस सर। अब देखो बेटा, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, इसको समझने के लिए हम पहले NaCl की तीन तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तीन अलग अलग तरीके से, ताकि हमें पता चल सके कि भैया रिएक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो सबसे पहले हम यहां पे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। बेटा ध्यान से समझते रहना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इससे मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे। ठीक, फिर लास्ट में इसके पूरे नोट्स बना देंगे इकट्ठा करके। ठीक, पहले धीरे धीरे। अब इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन NaCl, पर बेटे मोल्टन NaCl की ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो पहले हम देख लेते वो प्रॉब्लम्स क्या थी और उसको ओवरकम कैसे किया गया। प्रॉब्लम्स देखो बेटा, प्रॉब्लम इसमें क्या थी, पहली बात थी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज टू हाई। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा है, तो भैया इसको मेल्ट करना बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहली बात थी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज टू हाई, ये पहली प्रॉब्लम हमारे को फेस हुई कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl वॉज टू हाई, बहुत ज्यादा थी। जस्ट अ सेकेंड बेटा, बड़ा कुछ साउंड तो नहीं आ रही पीछे से घर कर कैसे? नो सर। ओके, सो दूसरी बात, पहली बात थी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl वाज वेरी हाई, दूसरी बात इसमें बेटा जैसे क्लोरीन बनेगी ना, तो क्लोरीन जो होती है ना वो क्रोसिव होती है, वो जिस वेसल में बनती है उसी को क्रोड कर देती है, उसी को खा जाती है, यानी जिस थाली में खाती है उसमें छेद कर देती है। तो कहने का मतलब क्लोरीन फॉर्म्ड In this electrolysis, is corrosive. ठीक, corrodes the vessel in which it is formed. यानी vessel को खत्म कर देगी, खराब कर देगी, corrodes the vessel in which it is formed. ठीक है जी, ये दूसरी बहुत बड़ी problem थी। तीसरी प्रॉब्लम जो हमने इसमें फेस की बेटा, तीसरी प्रॉब्लम यह थी कि सोडियम और क्लोरीन, बेटा सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये तो लैला मजनू है, तो क्लोरीन और NaCl लैला मजनू को जहां देखेंगे जब भी पालेंगे। कहने का मतलब यह है कि सोडियम एंड क्लोरीन कैन रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। अब बेटे ऊपर जो हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना बेटा, तो बाद में आप देखेगा कि इसमें प्रोडक्ट जो होगा ना बेटे, प्रोडक्ट जो होगा उसमें Na बनेगा, Cl बनेगा, और NaCl जो होता है ये बहुत एक्सक्लूसिवली रिएक्ट कर सकते हैं, तो भैया ऐसा ना हो जाए इलेक्ट्रोलिसिस करने के चक्कर में फोटो पे हारी चढ़ जाए। ठीक, तो वो भी हम नहीं चाहते थे, कि तीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट हुआ डाउन, उसने अपना एक सेल दिया डाउन सेल। तो डाउन्स सेल, इससे बेटे हम लोग क्या बनाए,
इससे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं NaCl की। मैं यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस भी समझा रहा हूँ, क्लोरीन की फॉर्मेशन भी समझा रहा हूँ, सोडियम की फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन भी समझा रहा हूँ। तो क्या है कि मल्टीपर्पज काम है, मल्टीटास्किंग हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस नहीं समझा जा रहा है, बहुत कुछ समझा जा रहा है। तो मैंने डाउन सेल करने की यहां पर कोशिश। अब डाउन सेल में उसने क्या किया कि एक वेसल लिया, ध्यान से समझते जाना, आराम से आ भी जाएगा। ये एक वेसल ले लिया बेटा। सो दिस वॉज अ वेसल, और इस वेसल के अंदर उसने क्या किया, एक स्टील का डोम लगा दिया। ये एक स्टील डोम है, दिस इज अ स्टील डोम, ठीक। और नीचे यहां पे वायर गॉज ताकि इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह मूव कर सके बेटा, ठीक है जी, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, आप देखते जाइएगा, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जिसके अंदर हम इसको कर रहे हैं। दिस इज स्टील डोम, स्टील का डोम है। स्टील का डोम क्यों लगाए हैं ये भी समझाऊंगा मैं आगे, स्टील डोम। अब बेटा स्टील डोम के अंदर हम आयरन का एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ठीक, एक आयरन का इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, या कार्बन का इलेक्ट्रोड इज मोस्ट सूटेड, नॉन रिएक्टेड होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर अटैक नहीं होता। तो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड मान लो ले लिया, इसका ले लिया ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड ले लिया, एंड दिस इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है बेटे, ठीक, दैट विल वर्क एज एनोड। कैसे वर्क करेगा, एनोड की तरह। तो एनोड हमने कैसा बताया था बेटा जी, पॉजिटिव, ये एनोड की तरह वर्क करेगा। और इसमें बाहर की तरफ को हमने यहां पे लगा दिए जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिया, विच इज वर्किंग एज एनोड रादर कैथोड। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। चलो ये सेटअप है। अब सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास थी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl वॉज टू हाई, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था भाई। तो हमने क्या किया, हमने इसमें एडिड कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया, ठीक, 60% तक कैल्शियम, 60% तक कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते इसमें, अप टू, ये जरूरी नहीं होता 60% ही करें, 40% से लेकर 60% तक इतना भी ऐड कर सकते कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड से क्या हुआ बेटा, सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़े हो ना, NaCl के आयन दो थे और कैल्शियम क्लोराइड के आयन तीन थे, आयंस बड़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़ी, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होना, क्योंकि मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट लाइज एट द सेम टेम्परेचर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की, तो हमने यहां पर कैल्शियम क्लोराइड डाला, कैल्शियम क्लोराइड डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्वियसली इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, तो इससे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया मेरे दोस्त। तो कैल्शियम क्लोराइड ने मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्लोरीन जिस वेसल में बनती थी उसी को छेद करती थी, उसको आगे समझाते हैं। अब मेरे पास जब मैंने NaCl लिया उसको मेल्ट किया, तो भैया NaCl आफ्टर मेल्टिंग विल चेंज इनटू Na1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव। जब इसको मोल्ट किया गया, जब ये मोल्टन हुआ, तो Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव बना, साथ ही में कैल्शियम क्लोराइड भी था, कैल्शियम क्लोराइड गिविंग अस कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव। क्यों जी, ये दो चीजें थी, ये टूट के ये बन गई, क्लियर। नाउ एट एनोड अब क्या होगा, जो अब हम करंट पास करना शुरू कर देंगे, ठीक। यहां पे अब हमने ये इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया था, ये सारी जगह पे इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ठीक, ये सारा इलेक्ट्रोलाइट, तभी तो नीचे वायर मैश रखी थी ताकि इलेक्ट्रोलाइट अंदर भी फ्लो हो सके, ये सारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया मेरे दोस्त,
मिक्सचर ऑफ मोल्टन NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड. मिक्सचर ऑफ मोल्टन NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड. नाउ रिएक्शंस. एट एनोड. एनोड पे एनोड कैसा है भाई? एनोड पॉजिटिव है. पॉजिटिव की तरफ क्या आएंगे? नेगेटिव अनायंस. अनायन यहां पे कौन सा है? अनायन एक ही तो है, क्लोराइड है ना भाई. तो इस साइड आएगा क्लोराइड, एनोड पे आएगा क्लोराइड. ठीक. अब फटाफट से बोलो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो भैया एनोड पे ये क्लोरीन जो होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन देगी और सीएल बनेगी और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहां? बैटरी की तरफ. नाउ ये जो पहला ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज. क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी चेंज. ये प्राइमरी चेंज है, ये प्राइमरी चेंज हो गया. क्लियर हो गया? सो दिस इज प्राइमरी चेंज. अब सीएल अकेला स्टेबल तो है नहीं ना, तो ऐसे और सीएल भी बनेंगे और सीएल और सीएल आपस में जब भी पाके सीएल टू बना देंगे और इसको बोलेंगे सेकेंडरी चेंज. तो ये सेकेंडरी चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन देना या लेना वो प्राइमरी चेंज था और उसके बाद के रिएक्शन क्या होंगे? सेकेंडरी चेंज होंगे. तो क्लोरीन एनोड पे बनेगी. तो भैया आप बताओ क्लोरीन एनोड कहां है? इसके अंदर. बेटा हमने तभी तो क्लोरीन को यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगी. तो देखो बेटे हमने स्टील का डोम लगाया था. क्यों लगाया था? स्टील के ऊपर किसी एसिड बेस का अटैक नहीं होता, स्टील इज अनरिएक्टिव. तो क्लोरीन कैन नॉट, स्टील जो है स्टील के वेसल को क्लोरीन क्रोड नहीं कर पाएगी. ठीक. SEEL स्टील डोम. ठीक. क्लोरीन इसको क्रोड नहीं कर पाएगी क्योंकि स्टेनलेस स्टील पे कभी असर नहीं होता. तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ये हमने कैल्शियम क्लोराइड से की थी. दूसरी बात, अब यहां पे क्लोरीन बना और यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, एनोड से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा. क्लियर हो गया? क्लोरीन मिल गई हमारे को तो क्लोरीन की प्रोडक्शन भी हो गई. नाउ एट कैथोड बेटा जी कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव. उसकी तरफ आएंगे पॉजिटिव और यहां पे दो पॉजिटिव है, यहां पे दो चीजें पॉजिटिव है, Na1 पॉजिटिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव. यानी देयर इज अ कॉम्पिटिशन. दो पॉजिटिव है तो इसमें कॉम्पिटिशन होगा. और कैथोड पे क्या होती है? जैसे एनोड पे क्या होती थी बेटा? हमने बोला एनोड पे सर ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि हमें आपका नाम याद है AO, ऑक्सीडेशन में लगकर एट एनोड. तो कैथोड पे सर हमें पता है कि रिडक्शन ही होनी है. रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन में लगी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब रिडक्शन उसकी होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिडक्शन उसकी होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है. तो फटाफट से बोलो सोडियम 1 पॉजिटिव और कैल्शियम 1 पॉजिटिव में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सर कैसे बोले? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? लिटिल केदार भाई का नमक राम. का यानी कैल्शियम ऊपर सोडियम नीचे, तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर. तो क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा प्रेफरेबली कौन होगा रिड्यूस? सोडियम. इसलिए बेटा जी यहां पर सोडियम जो है वो आएगा और उसको सोडियम 1 पॉजिटिव वो आएगा बिकॉज कैल्शियम के मुकाबले उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया गया है कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन कैल्शियम. तो सोडियम यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें चेंज हो जाएगा? सोडियम में. तो सोडियम यहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्लोरीन यहां से बाहर आ गए. अब इसके बीच में हमने स्टील का डोम लगा दिया, यानी सोडियम और क्लोरीन कभी एक दूसरे को देखेंगे नहीं, बीच में पर्दा है ना भाई. तो बीच में पर्दा है तो क्लोरीन और सोडियम एक दूसरे को देखेंगे नहीं. जब भी कहां से पाएंगे? क्लोरीन तो यहां से निकल ही जाएगी और सोडियम यहां बैठा बैठा ही रहेगा. तो दोनों मिलेंगे नहीं तो एक्सप्लोजन होगा नहीं, खतरा दूर. समझ में आ गई बात? तो जब कैथोड और एनोड के बीच में हम कोई
पार्टीशन कर देते हैं, जैसे कैथोड और एनोड के बीच में पार्टीशन है स्टील डोम का, तो पार्टीशन वाले सेल को हम बोलते हैं डायफ्राम सेल। क्या नाम देते हैं? डायफ्राम सेल। फिर डायफ्राम सेल है मेरे भाई, क्या होता है डायफ्राम सेल? बेटा डायफ्राम सेल जिसमें एनोड और कैथोड के बीच में पार्टीशन हुई रहती है, तो यहाँ एनोड और कैथोड के बीच में पार्टीशन हुई रहती है, इसलिए डायफ्राम सेल इसमें हो गया, और उसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट नहीं किए, प्रॉब्लम भी दूर, और हमारा काम भी हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस भी हो गई, NaCl molten will change into sodium and chlorine, क्लोरीन यहां से बाहर, सोडियम यहां इकट्ठा करके हम सीधे केरोसिन ऑयल में डाल लेंगे, सोडियम भी मिल जाएगा, क्लोरीन भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस भी हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगे। तो डाउन सेल गले के नीचे डाउन हुआ, बोलो जल्दी जल्दी यस और नो। सर मुझे समझ में नहीं आया ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट कैसे दूर हुए प्रॉब्लम के। क्या बोल रहे हो सर? मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम थी तो मुझे फर्स्ट सेकंड समझ में नहीं आया प्रॉब्लम कैसे दूर हुई। अरे फर्स्ट में तो हमने मेल्टिंग पॉइंट एनिशियल का कम करना था, मैंने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड आयन ज्यादा देगा, आयन ज्यादा देगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हुई तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड डाल के मैंने मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिया। बोल समझ में आई कि नहीं? यस सर आगे। और क्लोरीन क्रोसिव है, जिस वेसल में बनती उसको खराब कर देती, तो मैंने स्टील का वेसल ले लिया, स्टील के ऊपर इसका अटैक ही नहीं होता, ठीक है जी? यस सर। इस वजह से भाई अपने पास सेकंड प्रॉब्लम भी दूर, तो ऐसे करके इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास हुई मोल्टन NaCl की। तो ये पहली इलेक्ट्रोलिसिस से मैंने ये समझाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हुआ करती है, उसका प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, कि ये पहली सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस है मोल्टन NaCl की। तो यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें जो आपके इलेक्ट्रोड है वो नॉन अटैकिंग है, यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई अटैक नहीं है, इलेक्ट्रोड बिल्कुल सेफ है, ठीक, इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए, ठीक। लेकिन एक बात है कि हुआ क्या, हुआ ये क्लोरीन का चार्ज क्लोराइड का चार्ज खत्म हुआ एनोड पे और सोडियम का चार्ज खत्म हुआ कैथोड पे, यानी आयंस आर डिस्चार्ज्ड, आयंस आर डिस्चार्ज्ड, आयंस आर डिस्चार्ज। इसमें जितने भी आयन थे, जो आयन थे NaCl, हम मोल्टन NaCl की कर रहे थे, कैल्शियम क्लोराइड की थोड़ी, कैल्शियम क्लोराइड तो हमने अपने मजे के लिए डाला कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, तो इसमें आयन डिस्चार्ज हो गए, आयन डिस्चार्ज हुए, जिसमें मैंने बोला कि जो आपके कटायंस हैं, कटायंस दैट इज सोडियम वन पॉजिटिव इज डिस्चार्ज, इज डिस्चार्ज एट कैथोड, और सीएल वन नेगेटिव यानी आप बोल सकते अनायंस, अनायंस यानी सीएल वन नेगेटिव आर डिस्चार्ज्ड, आर डिस्चार्ज्ड एट एनोड, ये एनोड पे डिस्चार्ज हो गया भाई, होना डिस्चार्ज है यानी चार्ज खत्म होना। इसके लिए हमने करंट पास किया, कहां से? बैटरी से ना, तो जो करंट पास करते हैं टू डिस्चार्ज एन आयन इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज पोटेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां बोलेंगे पोटेंशियल प्रोवाइडेड, पोटेंशियल गिवन टू डिस्चार्ज, पोटेंशियल गिवन टू डिस्चार्ज एन आयन ओवर एन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल, इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी जो करंट या जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पास किया था फ्रॉम बैटरी ताकि ये रिएक्शन हो सके, उसको हमने बोला जो एनोड पे यूज हुआ उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोराइड का बोल दिया, जो कैथोड पे हुआ उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम का बोल दिया। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इज पोटेंशियल गिवन टू डिस्चार्ज एन आयन ओवर एन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज पोटेंशियल।
ऑब्वियसली जितना कम पोटेंशियल दे उतनी आसानी से आयन डिस्चार्ज हो, यही मतलब है ना। यानी जितनी आसानी से कोई आयन डिस्चार्ज होगा उतना ही तो कम पोटेंशियल देना पड़ेगा, चार्ज होगा तो ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। ठीक, आसानी से डिस्चार्ज हो, एक मिनट, मुश्किल से अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। कम आसानी से डिस्चार्ज हो रहा है, यानी मान लो जो एनोड है उसका ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कोई चीज आसानी से ऑक्सीडाइज हो रही है तो कम पोटेंशियल से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी भाई। ठीक, और अगर कहीं पर रिडक्शन हो रही है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर इजिली इलेक्ट्रॉन ले रहा है ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल शुड बी लो, ये ध्यान देना आगे सारा इसी की रोना धोना है, डिस्चार्ज पोटेंशियल शुड बी लो फॉर इजी रिएक्शन। जितना रिएक्शन इजी होगा उतना ही डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, उतनी आसानी से वो रिएक्शन हो सकेगा। जैसे अगर मैं यहां पे Na और Cl की कैल्शियम की बात करूं, ठीक, नाउ एट कैथोड पे हमारे पास दो आयन आने थे, सोडियम 1 पॉजिटिव एंड Cl एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव, पर कैथोड पे होनी थी रिडक्शन आसान थी इसकी, तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस था, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था, इसलिए प्रेफरेबली ये आ गया, लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लेस, इसलिए प्रेफरेबली ये डिस्चार्ज हुआ। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता होगा, इसको ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ता होगा, तो ये डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होने के लिए कम से कम जो पोटेंशियल, जिसको डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं, और डिस्चार्ज होने के लिए कम से कम पोटेंशियल की जरूरत हो तो ज्यादा आसानी से रिएक्शन होगा। इसलिए जब भी कंपटीशन होता है इन रिएक्शंस में, जैसे यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम में था ठीक, तो बेटा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो रिएक्शन प्रेफरेबली देता है। अब आप बोलोगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो वो सारा मैं आगे सिखाऊंगा। पहले ये बताओ अभी तक जो मैं भाव किया हूं सारा समझ में आया है कि नहीं? सर ये जो पोटेंशियल हम देते हैं ये सेल को देते हैं ना? अरे सेल से देते हैं, सेल तो सोर्स है, हम सेल को थोड़े सेल अपने आप देगा आगे इलेक्ट्रोड्स को। ओके सर, बैटरी तो सोर्स है भाई पोटेंशियल देने का यहाँ पर। ओके, अब देखो बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये भी देखना जरूरी है, डिस्चार्ज पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये देखना जरूरी है। बेटा ये लिख लिया इस साइड वाला, तो देखो बेटा yes, सबसे पहले डिस्चार्ज पोटेंशियल जिस बात पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहली बात हमारे पास, देखो बहुत सारी चीजें होती है जिससे डिस्चार्ज, जिस पे डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन विच डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड्स डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड करता है? देखो बेटे सबसे पहला होता है रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे पहला क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल। देखो बेटे एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कम चाहिए है ना, एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन होनी एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो हम ये बोल सकते हैं एट एनोड, एनोड पे क्या आ रहे हैं अनायंस, फॉर अनायंस एनोड पे क्या आ रहे हैं भैया अनायंस, तो एट एनोड फॉर अनायंस रिडक्शन पोटेंशियल मस्ट
be less than less then discharge potential is less. Agar discharge potential is less. यानी एनोड पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल कम चाहिए. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो प्रेफरेबली आसानी से डिस्चार्ज होगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा. ये तो एनोड की बात हुई ना. बट एट कैथोड अगर हम कैथोड की बात करते हैं वहां पर रिडक्शन होनी है. और कैथोड पे आना क्या है? कटायंस. फॉर कटायंस रिडक्शन पोटेंशियल SRP should be high, then discharge potential is less and ion is easily discharged. बेटा सिंपल बात समझिएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी चाहिए तो ऑक्सीडेशन उसकी आसान है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. तो एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कम वाला आयन आएगा, कैथोड पे रिडक्शन होनी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो आएगा. तो कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए. तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम एनोड पे तब होगा अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, कैथोड पे अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा. यानी प्रेफरेबली जो रिएक्शन जहां आसानी से हो सके. तो बेसिकली पहला फैक्टर डिस्चार्ज पोटेंशियल को बताने वाला हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल. सो एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल मस्ट बी लेस और कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल मस्ट बी हाई. तो उनके डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होते हैं. बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? यस और नो? पर कहानी यहां खत्म नहीं होती. अब इसी को और समझना है और बहुत ज्यादा समझना है. ठीक, तरह तरह के इलेक्ट्रोलिसिस मैं तुम्हें करवाऊंगा. ठीक, ताकि तुम लोग को समझ में आ सके. जो लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है आपको पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक, ये जो फैक्टर्स ऑन विच डिस्चार्ज पोटेंशियल अलग से लिख के रखना, बाद में इसको सारे को नोट डाउन करेंगे, जॉट डाउन करेंगे. अब हम बात करेंगे मोल्टन की जगह NaCl की फिर से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. बट अब की बार इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. ठीक है जी, अब हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करना चाह रहे हैं. ठीक, अब एक्वस NaCl देखो, इसमें NaCl जो होगा दैट विल ब्रेक अप इनटू Na1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव. ठीक है, वैसे तो वाटर का रिएक्शन तो लिख रहा हूं, H1 पॉजिटिव OH1 नेगेटिव. ठीक, बट सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत होती नहीं है, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं तुम्हें. वाटर भी है इसके अंदर, NaCl भी, ये दो चीजें हैं. नाउ एट एनोड जो है पॉजिटिव है. यहां पे दो चीजें आ गई है, Cl1 नेगेटिव और OH1 नेगेटिव. ठीक, ये दो चीजें हैं, कंपटीशन. ठीक, अब एनोड पे यहां तो ऐसा होता, पॉसिबल रिएक्शंस देखना ध्यान से एनोड पे दो पॉसिबल रिएक्शन है. होनी ऑक्सीडेशन है, होनी क्या है? ऑक्सीडेशन. तो यहां तो ये हो सकता था Cl नेगेटिव gives a Cl plus electron, ये primary change जैसा कि आपको पता है. और दूसरा होता कि Cl plus Cl gives us Cl2 secondary change.
दिस सेकेंडरी चेंज, ठीक। ये प्राइमरी चेंज पीसी लिख दिया मैंने और ये सेकेंडरी चेंज एससी लिख दिया मैंने, समझ लेना है। या तो ये हो सकते हैं रिएक्शन, ये एक ही रिएक्शन है, और या फिर दूसरा आयन कौन सा है, OH नेगेटिव, तो कहा के OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे, OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे दे भाई। या तो ऐसा हो सकता है कि OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे, ठीक, इलेक्ट्रॉन देना ही है तो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे दे। बट OH जो है ना, OH नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन देना और ऐसे बना देना, ठीक, एक्चुअली वाटर आसानी से टूटता नहीं, OH आसानी से मिलता नहीं। हम इसको ना इस रिएक्शन को ऐसे लिख देते हैं वाटर की टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन OH नहीं देने हैं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। लेकिन लिख ऐसे देते हैं कि वाटर टूटा और उसने ऑक्सीजन बनाया, ऑब्वियसली H पॉजिटिव बनाए होंगे, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन बनाया और H पॉजिटिव बनाया होगा और इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, तो वाटर में बेसिकली हम वाटर को ऐसे लिख दिए सिर्फ समझाने के लिए, पर ऐसे नहीं होगा, एक्चुअली वाटर का रिएक्शन होगा, एक्चुअली किसका रिएक्शन होगा, वाटर का। तो हम ये नहीं लिखते, हम ये नहीं लिखते, ये समझाने को होता है, रिएक्शन ये होता है सिर्फ वाटर का, यानी या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है, दोनों में से एक रिएक्शन पॉसिबल है। और मजे की बात है, जब मैं इसका ई डिग्री देखता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैं यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पे क्या देखूंगा, और चलो रिडक्शन ही देख लो यार, अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखूंगा, अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखूंगा, किसका, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं देखता हूं, तो बेटा क्लोरीन का रिडक्शन 1.36 होता है, कितना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट होता है, 1.36 वोल्ट होता है बेटा हमारे पास, ठीक है जी, क्लियर। जबकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट होता है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है, क्लोरीन का 1.36। एनोड पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल कम, एनोड पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल कम। तो कौन प्रेफरेबली जाना चाहिए था बेटा, फटाफट बोलो, वाटर और एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल SRP शुड बी लो, शुड बी लेस, तो कौन सा जाना चाहिए था, कौन सा रिएक्शन होगा, जल्दी बोलो, वाटर वाला, वाटर वाला, क्यों इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यस सर। मजे की बात है भाई, फिर भी नहीं हुआ, हुआ यही रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं हो पाया भाई, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल यहां पर, क्यों भाई, एक्चुअली वॉटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, इसमें कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे कि नहीं, तो बेटा कुछ पोटेंशियल इसके कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने में एक्स्ट्रा लग जाता है, उसको ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। यहां लिखेंगे फॉर एनोड SRP शुड बी लेस, बट फॉर वॉटर वी नीड ओवर पोटेंशियल, ठीक, बट वॉटर वी नीड ओवर पोटेंशियल, और कितना चाहिए होता है, 0.25 वोल्ट इसका ओवर पोटेंशियल चाहिए होता है, इसके आयन को तोड़ने के लिए ही। अब आप मेरे से चीख चीख के पूछेंगे, सर ये ओवर पोटेंशियल क्या होता है, मेरे पास दो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक स्टूडेंट अपने आप से समझ जाता है आसानी से, जल्दी जल्दी काम कर लेता है, और एक बच्चा जिसको समझ में नहीं आता, स्लो समझ में आता है,
तो मुझे उसको समझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाना तो वही है लेकिन उसके लिए मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको समझ में आएगा। सिमिलरली ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है लेकिन पहले इसको तोड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए। बेटा ओवर पोटेंशियल होता है अगर कोई रिएक्शन काइनेटिकली स्लो हो, यानी उसकी स्पीड बहुत स्लो हो, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया जाता है उसको ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। सो अगर मैं बोलूं ओवर पोटेंशियल ठीक, तो दूसरी बात यहां पे जिस पे डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड करता है उसको ओवर पोटेंशियल भी बोलते हैं, उसको ओवर पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक जी, सो ओवर पोटेंशियल क्या होता है? ये होता है एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्स्ट्रा पोटेंशियल गिवन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। ठीक, तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल गिवन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ काइनेटिकली स्लो प्रोसेस उसको ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसके लिए टोटल पोटेंशियल नीडेड इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। देयरफॉर फॉर वॉटर टोटल डिस्चार्ज पोटेंशियल नीडेड, टोटल डिस्चार्ज पोटेंशियल नीडेड कितना चाहिए होगा? बोलो भाई 1.23 तो पहले चाहिए, ठीक, प्लस 0.25 भी चाहिए, वैल्यू हो गई 1.48 वोल्ट। बेटे ज्यादा हो गई कि नहीं? यस सर, ज्यादा हो गई ओवर पोटेंशियल की वजह से। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल, तो पॉसिबल रिएक्शन यही हो पाया। सो देयरफॉर एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड टेक्स प्लेस। बोलो मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं? फिर अगला समझाना है मुझे, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो जिसको नहीं आया, फटाफट से बोलो नहीं आया सर। आ गया, वेरी गुड। नाउ इसी तरह से अब चलते कैथोड पे, अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे फिर कॉम्पिटिशन है कि नहीं? कैथोड पे फिर कॉम्पिटिशन है। कैथोड पे पॉसिबल रिएक्शंस दो, पहला रिएक्शन या तो कैथोड पे सोडियम वन पॉजिटिव हो, पहला रिएक्शन सोडियम वन पॉजिटिव टेकिंग इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू सोडियम, कैथोड पे रिडक्शन होनी है, ठीक। और दूसरा पॉसिबल रिएक्शन, बेटे मैंने बोला ना इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, अदरवाइज हम वाटर की ही क्या दिखाएंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे यहां वाटर की रिडक्शन दिखाई थी, यहां वाटर की क्या दिखाई थी? ऑक्सीडेशन। वाटर की रिडक्शन दिखाएंगे तो एच पॉजिटिव रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, एच पॉजिटिव टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग इनटू एच, रिएक्शन ऐसा होना चाहिए था। पर इसको हम ऐसे लिख देंगे ना, वाटर की तरह लिख देंगे कि हम तो वाटर का रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम इसको वाटर का रिएक्शन लिख देंगे भाई, ठीक। ये प्राइमरी चेंज ये होना चाहिए था, ध्यान से देखना, फिर एच और एच जुड़ के एच टू बनना चाहिए, सेकेंडरी चेंज ये होना चाहिए था। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दो वाटर टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स चेंजिंग इनटू एच टू प्लस टू ओ एच नेगेटिव, क्यों जी ऐसे लिख दिया अपन ने? कोई मुश्किल? एच पॉजिटिव की जगह अपन ने वाटर लिख दिया क्योंकि ऐसे टूटेगा नहीं ना आसानी से, तो ऐसे लिखेंगे तुम, क्लियर? चाहे ये लिखो ये लिखो गलत कोई नहीं करता है, सिर्फ समझने की बात है। बननी यहां पे हाइड्रोजन ही है, OH तो सॉल्यूशन में रहना है। चाहे आप ये सेट ऑफ रिएक्शन लिख देते
चाहे आप ये लिख देते, ठीक। अब ध्यान देना बेटा, बड़ी मस्त चीज बताने जा रहा हूं आपको। इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का, सोडियम का SRP -2.71 वोल्ट, ठीक। और इसका SRP -0.83 वोल्ट, ठीक। अब बोलो कैथोड पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैसा चाहिए था? ज्यादा। इन दोनों में से किसका ज्यादा है? वाटर का, वाटर का ज्यादा है। अब उसमें 0.25 ऐड भी कर दो, क्या तब भी इससे इससे कम हो पाएगा? नो सर। तो भले ही वहां पे क्या था, ओवर पोटेंशियल भी हो, तब भी उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इसके मुकाबले कम ही रहेगा, क्योंकि यहां तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी मोर फॉर कैथोड। SRP मस्ट बी मोर। पर बेटा वो तो वाटर का ही है, उसमें चाहे डिस्चार्ज आप ओवर पोटेंशियल ऐड भी कर दो तब भी इसको पास ऑन नहीं होता, यानी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यही रिएक्शन होगा, यही रिएक्शन होगा। तो जब बेटे हम मोल्टन NaCl का लिखेंगे तो एनोड पे जो पॉसिबल रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पे सिर्फ यही लिखेंगे रिएक्शन, ये एनोड का रिएक्शन लिखते दिखा देंगे, ठीक। ये एनोड का रिएक्शन लिख के दिखा देंगे और ये कैथोड का रिएक्शन लिख के दिखा देंगे। भाई ये दोनों में से एक लिख लो, चाहे हाइड्रोजन वाला लिख लो चाहे वाटर वाला लिख लो, दोनों में से एक, ना ये दिखाएंगे ना ये दिखाएंगे। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल भी समझ में आया, यानी कि अगर मुझे मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाना होता, बेटे ये नोट तो कर लिया ना आपने, मैं ये कभी नहीं लिखता और मैं ये कभी नहीं लिखता, मैं ये लिखता ये लिखता। नोट कर लिया जरा बेटा ये पहले? यस सर। यस सर। अगर मान लो कल को मुझे कंपटीशन में रादर प्लस टू में बताना है, तो प्लस टू में मैं सिंपल ऐसे करूंगा कि भाई ऐसा है कि मेरे पास यहां पे ऐसे लिख दूंगा एट एनोड, एनोड पे सीएल नेगेटिव विल बी चेंजिंग इनटू सीएल एंड गिविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्राइमरी चेंज, एंड सीएल प्लस सीएल गिविंग अ सीएल2, सीएल2 इज गिवन आउट। और यहां पे लिख दूंगा बिकॉज वॉटर नीड्स ओवर पोटेंशियल, therefore chloride is preferably oxidized। हालांकि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कम था, होना वो चाहिए था लेकिन वो नहीं। और ऐसे ही एट कैथोड, कैथोड पे मैं लिख दूंगा सीधे ही H1 पॉजिटिव, ठीक, टेकिंग इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन चेंजिंग इनटू H2, या फिर इसकी जगह सीधे वही H2O गिविंग अस H2 प्लस 2OH नेगेटिव, ऐसे करके लिख दूंगा, ठीक है जी। दोनों में से कोई एक चीज लिख दूंगा, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो यहां हम बोल देंगे कि भैया ओवर पोटेंशियल होने के बावजूद भी सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी वेरी लेस, तो प्रेफरेबली आएगा ही। सोडियम का SRP इज वेरी वेरी लेस, देयरफॉर वाटर इज रिड्यूस्ड प्रेफरेबली, इज रिड्यूस्ड प्रेफरेबली। तो ये रिएक्शन बेटे प्रेफरेबली, तो ये रिएक्शन मोल्टन का हम लिख सकते थे। बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर।
पर बेटा यस सर, इसको लिखने के बाद एक सबसे मस्त चीज करवा रहा हूं, दुनिया में इससे मस्त कोई चीज नहीं। ठीक, पहला हमने पढ़ा रिडक्शन पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड करता है, दूसरा ओवर पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है ये तो बता दिया, बाद में शॉर्टकट बताएंगे, चिंता नहीं करने का। अब हमें कुछ पता चलेगा किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना है, किसका ओवर पोटेंशियल कितना है, अरे भाई याद करने की लोड नहीं होगी। ठीक, मैं हूं ना। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl ही करना है, लेकिन एक तीसरी चीज है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तीसरी चीज है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कई बार इलेक्ट्रोड ही जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देते हैं। ठीक, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इसमें दो चीजें बताऊंगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का नेचर, ये तीसरी चीज। इसको समझाने के लिए ना मैं एक स्पेशल सेल तुम्हें साथ डिस्कस करूंगा बेटा। देखो यहां मल्टीटास्किंग हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक चीज का दो दो तीन तीन चीजें हो रही है, तो दोबारा मैं डाउन सेल नहीं करवाऊंगा कभी जिंदगी में। उसी तरह से अब हम यहां करेंगे कास्टनर केलनर सेल। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस को समझाने के लिए ना कास्टनर केलनर सेल से अच्छा एग्जांपल दुनिया में है। कास्टनर केलनर सेल जो होता है ना, ये मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH के लिए यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH के लिए यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब ये कैसे होगा प्लीज ध्यान देंगे, बहुत ही इजी है। ऐसा एक वेसल ले लिया जाता है, दिस इज अ वेसल। इस वेसल के अंदर एक स्लेट की पार्टीशन दो जगह कर दी जाए, ये हमने स्लेट लगा दी, स्लेट समझते हैं ना तुम, ये स्लेट के पार्टीशन हमने कर दिए। पर पार्टीशन कंप्लीट नहीं है, पर पार्टीशन कंप्लीट नहीं है, हमने इसके अंदर मरकरी डालना है और मरकरी में इसको डिप करना है। सो दिस इज मरकरी, ये मरकरी ऐड हुआ है। इस मरकरी को डालने से हमारे पास हुआ क्या कि ये सेल के तीन कंपार्टमेंट बन गए। ठीक है, ये मैंने यहां पे मरकरी डाल दिया, तो मरकरी स्लेट के पार्टीशन जो है, स्लेट पार्टीशंस, उन्होंने यहां पे सेल के तीन पार्ट कर दिए हैं। ये दो आउटर कंपार्टमेंट है और ये इनर कंपार्टमेंट है, यानी दिस इज आउटर कंपार्टमेंट, दिस इज इनर कंपार्टमेंट, दिस अगेन आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, आउटर कंपार्टमेंट में हम डालते हैं ब्राइन, ब्राइन क्या डालते हैं, ब्राइन। अब सर ये ब्राइन क्या बोला है बेटा, ब्राइन इज 40% NaCl सॉल्यूशन, ये आउटर कंपार्टमेंट में हमने डालना है, दोनों आउटर कंपार्टमेंट में ब्राइन डालना, दोनों आउटर कंपार्टमेंट में ब्राइन डाल देना है, अंदर के कंपार्टमेंट में हमने वेरी डाइल्यूट NaOH डाल देना है। याद रखो, बना के रहे हो सर NaOH, तो बीच वाले कंपार्टमेंट में डाला क्या है, NaOH और डाइल्यूट। ठीक, अब देखो बेटे,
इसमें दो आउटर कंपार्टमेंट के रिएक्शन सेम होंगे, अंदर वाले कंपार्टमेंट के रिएक्शन अलग होंगे, तो थोड़ा इधर ध्यान, बाकी कहीं नहीं। पहले हम करेंगे रिएक्शंस इन आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है जी। बाहर के कंपार्टमेंट में रिएक्शन क्या होंगे? ऑब्वियसली बाहर हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोड लगा देना है, ब्राइन डाला हुआ है, ये बाहर के लिए एक इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने, ठीक। और तुम्हें बहुत मजे की बात बताता हूं कि बाहर के कंपार्टमेंट में हमने सिर्फ और सिर्फ एनोड लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, एनोड लगाना है, ठीक है जी, कैथोड लगाना ही नहीं है। अंदर के कंपार्टमेंट में आप ऐसे करके एक इलेक्ट्रोड ले लीजिए, उसको नेगेटिव टर्मिनल में बैठ लीजिए, अंदर कैथोड लगाना है, एनोड नहीं लगाना, ठीक। चलो अब आउटर कंपार्टमेंट में है क्या हमारे पास, व्हाट इज देयर? आउटर कंपार्टमेंट में NaCl है, तो NaCl will be tooting into Na1 positive and footing into Cl1 negative. As well as this water. मैंने बोला कि इसको ऐसे शो कर सकते हो, नहीं भी करोगे चलेगा। ध्यान रखना, हम इसके रिएक्शन को वाटर का रिएक्शन लिख देते हैं, इसके रिएक्शन को वाटर का रिएक्शन लिख देते हैं, है ना बेटा, ये ध्यान में रखने वाली बात थी ना। नाउ अब ये दो चीजें हैं, अंदर के कम बाहर के कंपार्टमेंट है, आउटर कंपार्टमेंट। नाउ एट एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव, इस पे आएंगे नेगेटिव आयन कौन से, क्लोराइड या OH, ठीक। अभी पीछे पढ़ लिया था कि वाटर का सेम ही बात है, वाटर नीड्स ओवर पोटेंशियल एज, यहां पे लिख सकते हैं, एज वाटर नीड्स ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल, एक तो वाटर को ओवर पोटेंशियल चाहिए, ठीक। देयरफॉर क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या आउटर कंपार्टमेंट में Cl1 नेगेटिव विल गिव Cl एंड इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन प्राइमरी चेंज, Cl और Cl जुड़िंग टू गिव अस Cl2। तो बाहर के कंपार्टमेंट से हमारे पास बाहर मिलेगी क्लोरीन एज अ यूजफुल बाय प्रोडक्ट, हम क्लोरीन बनाना थोड़ी चाह रहे हैं, बट इससे क्लोरीन बन रही है ना भाई, ठीक, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों में से ये रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज वाटर को ओवर पोटेंशियल चाहिए। नाउ एट कैथोड, ध्यान देना, एट कैथोड, अब एक बात बताओ यार, बाहर कैथोड कहां है, है क्या, ही नहीं, तो भैया कैथोड चाहिए ना, तो मरकरी विल वर्क एज कैथोड आउटसाइड। बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हारे से, आउटर कंपार्टमेंट में मरकरी कैसे बिहेव करता है, तो आउटर कंपार्टमेंट में मरकरी बिहेव एज कैथोड, मरकरी बिहेव एज कैथोड, क्योंकि कैथोड तो है ही नहीं बाहर वाले कंपार्टमेंट में, तो मरकरी बिहेव एज कैथोड, ठीक है जी, बाहर वाले कंपार्टमेंट में, इसको इंडक्शन बोलते हैं, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज इंडक्शन। अगर एक कैथोड है, एनोड नहीं है, तो जो दूसरा मेटल होगा एनोड की तरह वर्क करेगा, वैसे अगर एक एनोड है कैथोड नहीं है तो दूसरे मेटल को उसकी तरह वर्क करना होगा, तो ये इंडक्शन है। तो यहां कोई इलेक्ट्रोड नहीं था तो मरकरी को यहां पे वर्क करना पड़ा। अब बेटे यहां पे भी वही दो आयन है,
वही दो आयन थे, सोडियम वन पॉजिटिव एच वन पॉजिटिव, ठीक। और हमें यह भी पता था कि भैया इसमें ओवर पोटेंशियल के बावजूद भी हाइड्रोजन जो है वो प्रेफरेबली आता है। पर यहां हमने क्या पाया, हमने पाया कि यहां सोडियम वन पॉजिटिव आया। सर ये क्या जादू, अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रहे थे, तो सोडियम वन पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम बन गया। क्यों, व्हाई, आना तो हाइड्रोजन चाहिए था, क्योंकि अभी पिछले रिएक्शन में तुमने पढ़ा कि इसका ओवर पोटेंशियल होने के बावजूद भी, ओवर पोटेंशियल होने के बावजूद भी सोडियम ही रिड्यूस होता था, ठीक, मतलब हाइड्रोजन ही रिड्यूस होता था, सोडियम नहीं आता था, है ना। ऐसा क्यों होता था, तो चलो पहले हम उसको समझ लेते हैं। होता यूं है कि जो पहले रिएक्शन होना था उसमें होता यह है कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, सोडियम वन पॉजिटिव बनता है, लेकिन सोडियम वन जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लिया उसी से वॉटर इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको अगेन सोडियम वन पॉजिटिव बना देता है और खुद H2 और OH नेगेटिव बना देता है, यानी सीरीज रिएक्शन है, यानी कि सीरीज रिएक्शन है। मतलब क्या है कि प्राइमरी चेंज ये होता है, पहले रिएक्शन में भी प्राइमरी चेंज ये होता है कि सोडियम वन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम बनाएगा, क्यों, आप देखो रिडक्शन टेंशन उसका कम था, है ना बेटा। तो बेसिकली ये रिएक्शन होना चाहिए था, ये ऐसा हो गया क्योंकि ओवर टेंशन तो चाहिए चाहिए। अब यहां पे सोडियम जो होगा वो आगे वॉटर क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल रखता था, इसलिए वॉटर सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेके उसको दोबारा वैसे ही बना देता था, ठीक। तो नेट में रिएक्शन हम इन दो को जोड़ के लिख दिया करते थे, सोडियम से सोडियम कट गया, सोडियम वन पॉजिटिव से सोडियम वन पॉजिटिव कट गया, तो रिएक्शन यही हो जाता था भाई हमारे पास जो हमने पहले लिखा था। पर इस केस में क्या हुआ, यहां पे ऐसा क्यों नहीं हो पाया, यहां ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सोडियम जो होगा वो मरकरी में घुल जाएगा और सोडियम अमलगम बना देगा। सोडियम मरकरी में घुल करके क्या बना देगा, सोडियम अमलगम बना देगा बच्चों। तो अगर मरकरी इलेक्ट्रोड होता है तो सोडियम उसमें घुल जाएगा और घुलने के बाद क्या बना देगा, घुलने के बाद बेटे वो यहां पर मरकरी के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। अगर जुड़ जाएगा फिर उसको मरकरी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सेकेंड रिएक्शन जो पहले होता था वो नहीं हो पाएगा। पहले तो ये होता था कि इससे आगे वाटर इलेक्ट्रॉन ले लेता था तो हम वाटर का रिएक्शन लिखते थे, लेकिन अब ये मरकरी सीधे किसमें, सोडियम किसमें चला गया, मरकरी में। तो मरकरी में घुल मिल जाने की वजह से, मरकरी में अमलगम बना देने की वजह से, ठीक, ये मरकरी में घुल जाएगा और इस वजह से होगा क्या कि फर्दर वाटर इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, ठीक। इसलिए यहां पे सोडियम आ गया। बोलो बेटे रीजन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यार। यस सर। यस। अब ये तो हो गया आउटर कंपार्टमेंट के रिएक्शन, थोड़ा सा इनर कंपार्टमेंट के रिएक्शन भी देखेंगे। रिएक्शन इन इनर कंपार्टमेंट, रिएक्शन इन इनर कंपार्टमेंट, अंदर के कंपार्टमेंट के रिएक्शन। अंदर क्या है मेरे पास बेटा, वही NaOH है जो कि टूटेगा किसमें, Na1 वन पॉजिटिव में, OH1 वन नेगेटिव में, Na1 वन पॉजिटिव में, OH1 वन नेगेटिव में। और वॉटर है, वॉटर वैसे ही देख हम दिखा देते हैं ऐसे, लो जी, ठीक, ये इनर कंपार्टमेंट में है, ठीक। लेकिन एट एनोड, एट एनोड, पहले बताओ अंदर एनोड कहां है,
है क्या? है ही नहीं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इस सेल को ना एक इस तरह के व्हील पे रख देते हैं, एसेंट्रिक व्हील। तो ये जैसे गोल गोल घूमता है, तो इस सेल में रॉकिंग मोशन प्रोड्यूस होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे से होगा। तो ये आगे फ्लो करेगा, मरकरी सारी जगह फ्लो करता रहता है। तो होगा क्या, एनोड यहां पर मरकरी का बनेगा, क्योंकि एनोड नहीं है। तो अंदर के कंपार्टमेंट में एनोड सोडियम अमलगम का है, अकेला मरकरी नहीं है, अब उसमें सोडियम डिसॉल्व है, अब उसमें सोडियम डिसॉल्व है। तो अंदर एनोड सोडियम अमलगम का है, ठीक। अब या तो OH इलेक्ट्रॉन दे, एक ही तरह के एनायन है OH, यानी वाटर वाटर, और या फिर सोडियम इसके अंदर है, तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू वाटर, तो प्रेफरेबली सोडियम ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, बट सोडियम इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है ना, तो यहां प्रेफरेबली सोडियम ही ऑक्सीडाइज हो गया, इससे निकल गया, क्योंकि नॉन मेटल के मुकाबले, बेटा OH में इलेक्ट्रॉन कितने दिन से, नॉन मेटल, नॉन मेटल के मुकाबले मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी मेटल है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो भैया यहां पे सोडियम निकलेगा कहां से, यहां से, और बनेगा सोडियम वन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी ऑक्सीडेशन सोडियम की हो जाएगी, और ये सोडियम वन पॉजिटिव यहां सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अब ये सोडियम अमलगम था। क्लियर? नाउ एट कैथोड, एट कैथोड, आप अगर ध्यान देंगे तो कैथोड पे वही दो आयन है जो यहां के आउटर कंपार्टमेंट में, वो इनर कंपार्टमेंट में, आउटर कंपार्टमेंट में वो इनर कंपार्टमेंट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कैथोड, कैथोड जो है वो यहां पर ऊपर है, यानी मरकरी का है, इसकी तरफ हाइड्रोजन आ सकता है। अब तो इसके अंदर सोडियम नहीं भुला हुआ, आयरन का है, तो सोडियम में से H1 पॉजिटिव यानी वाटर का रिएक्शन आसान होगा। तो बेटे बेसिकली कैथोड पे H1 पॉजिटिव विल टेक इलेक्ट्रॉन टू गिव अस हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के H2 बना देंगे, तो अंदर के कंपार्टमेंट से H2 बाहर निकलेगा। अब देखो भाई, अंदर के कंपार्टमेंट में एच भी निकल गया, सोडियम एक्स्ट्रा आ गया, तो NaOH कंसंट्रेटेड होता जाएगा। OH तो वही है, H1 पॉजिटिव निकलते जा रहा है और उसकी जगह Na आता जा रहा है, वाटर कम होता जा रहा है, NaOH बढ़ता जा रहा है, तो NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो अंदर NaOH बन जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, क्लोरीन बाहर निकल जाएगी। पर बेटा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट दोनों में कैथोड पे सेम आयन थे, सोडियम वन पॉजिटिव एच वन पॉजिटिव, सोडियम वन पॉजिटिव एच वन पॉजिटिव, पर अंदर के कंपार्टमेंट में हमारे पास सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक, अंदर के कंपार्टमेंट में सोडियम रिड्यूस हुआ और बाहर के कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि अंदर का मरकरी इलेक्ट्रोड था, मरकरी की तरफ हाइड्रोजन की अफिनिटी नहीं होती, ये समझ लें, मरकरी की तरफ हाइड्रोजन की अफिनिटी नहीं होती, जब कभी भी मरकरी इलेक्ट्रोड होगा तो हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मरकरी की तरफ वाटर की अफिनिटी नहीं, मरकरी वाटर में घुलता है क्या, या बोलो हाइड्रोजन की अफिनिटी नहीं होती मरकरी की तरफ। क्लियर हो गया? तो उसमें ओवर पोटेंशियल से भी ओवर पोटेंशियल चाहिए होता है, और पोटेंशियल चाहिए होता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, वो नहीं हो पाता तो प्रेफरेबल ये हो जाता, और बाहर मरकरी का कैथोड नहीं है तो ये हो जाता है भाई। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे हमें ये समझ में आया कि नॉन मेटल्स लाइक मरकरी एटसेट्रा, यानी नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन एटसेट्रा, हाइड्रोजन एटसेट्रा कैन नॉट बी
cannot be discharged at mercury. Discharged at mercury. तो दोबारा से सारे कंपार्टमेंट को समझ लेना टास्क का NaCl को. बेटा बाहर वाले कंपार्टमेंट में NaCl वाटर था क्योंकि मैंने ब्राइन डाला था. तो NaCl will break up into Na1 positive, Cl1 negative, H1 positive, OH1 negative. एनोड पे क्योंकि वाटर का ओवर पोटेंशियल ज्यादा होता है, आपने पढ़ा है, अभी पहले मैं पढ़ लिया था, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गई, प्रेफरेबली क्लोरीन निकल गई. तो बाहर वाले कंपार्टमेंट में क्लोरीन क्लोराइड ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन बाहर निकल गई. और कैथोड पे जो कि कैथोड था ही नहीं, मर्करी बिहेव्ड एज कैथोड, तो हाइड्रोजन की अफिनिटी मर्करी की तरफ थी नहीं, तो हाइड्रोजन आया नहीं, तो हमारे पास सिर्फ सोडियम वन पॉजिटिव था. ये तो आ नहीं सकता था, क्यों, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं था. क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सोडियम जैसे बना वो मर्करी में डिसॉल्व हो गया, तो फिर ये वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं था जो दूसरा रिएक्शन था. इस वजह से सोडियम ही यहां पर क्या हो गया, सोडियम वन पॉजिटिव रिड्यूस हो गया और उसका अमलगम बन गया. हमने यहां पे रॉकिंग, यू कैन से रॉकिंग मोशन प्रोड्यूस किया बाय दिस व्हील. उससे मर्करी यहां फ्लो करता रहा, ठीक, मर्करी यहां फ्लो करता रहा सारी जगह पे, तो सारी जगह पे सोडियम अमलगम हो गया. अंदर के कंपार्टमेंट में NaOH डाला था, बहुत सारा वाटर था, NaOH will break up into Na1 positive, OH1 negative and H1 positive, OH1 negative. तो अब at anode, anode यहाँ पे सोडियम अमलगम का बना, आने थे OH, लेकिन सोडियम का इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, OH रह गए. और कैथोड पे H1 positive, क्यों, क्योंकि अब बेटा जी हमारे को पता है ये मर्करी का नहीं, इसकी तरफ हाइड्रोजन की अफिनिटी है, हाइड्रोजन इसकी तरफ जा पाएगा और ऑब्वियसली हाइड्रोजन यहां पे रिड्यूस होके H2 बनाएगा, H2 बाहर आ जाएगा. बोलो बेटा कास्टर केलर सेल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. सर NaOH कहां बना यार? सॉल्यूशन के अंदर, ये जो सॉल्यूशन है इसमें से Na1 पॉजिटिव यहां से और बढ़ते जा रहे, और बढ़ते जा रहे, और बढ़ते जा रहे, ठीक, और H कम होते जा रहे हैं, तो इस जगह पे NaOH बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? Yes, sir. तो यहाँ NaOH बनता जा रहा है. आप NaOH बाहर निकालते रहो, वाटर डालते रहो, यानी यहाँ से सॉल्यूशन बाहर निकालते रहो NaOH का और वाटर डालते रहो. ओके सर. सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? यस सर. यस सर. एक बात बताता हूँ आपको बेटा, यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ओवर पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर. इन सब का मैं नटशेल करवाऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक, इन सब का नटशेल करेंगे, पर एक चौथी चीज करते हैं, ये बिटा दूं जी? यस सर. यस सर. चौथी चीज देखिएगा. नाउ अब अपन बात करेंगे वेरी डाइल्यूट NaCl. मैं आज NaCl के पीछे ही पड़ा हूं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ NaCl. वेरी डाइल्यूट NaCl यानी पानी पानी रे, बहुत सारा पानी रे, बहुत ही ज्यादा पानी है यार, ठीक, बहुत ही ज्यादा डिसॉल्व, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब इसमें NaCl पानी बहुत ही ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा है, ठीक, बहुत कम है रहा, कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी. तो इसमें NaCl विल ब्रेक अप इनटू Na1 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव, वाटर विल ब्रेक अप इनटू H1 पॉजिटिव, OH1 नेगेटिव, मे नॉट बी ब्रेक, मे इट नॉट ब्रेक, लेकिन लिखते हम ऐसे ही सिर्फ कंपटीशन दिखाने के लिए. तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे दो आयन आ सकते हैं, दो रिएक्शन पॉसिबल रिएक्शंस, पॉसिबल रिएक्शन, वो दो पॉसिबल रिएक्शन कौन कौन से हैं, बोलो बराबर. Chloride is giving us chlorine plus electron. Yes, sir.
And chlorine plus chlorine giving us Cl2? Yes, sir. And second is OH negative giving us two water plus oxygen plus four electrons. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, OH का लिखना हो, OH का ही रिएक्शन लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं. OH negative 4 giving us two water plus O2 plus four electron. ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती. और यहां फिर वही बात क्या कि हम वाटर का रिएक्शन शो करें और क्या बना दें, H1 पॉजिटिव O2, यहां चार इलेक्ट्रॉन थे, यहां मैंने दो से लिखा, दोनों में से एक लिख सकते हैं आप. ये दो पॉसिबल रिएक्शन थे, यहां चाहे ये लिख दो, यहां चाहे ये लिख दो, दो पॉसिबल रिएक्शन, इधर दिस और इधर दिस. अब बेटा बोला वेरी डिल्यूट, मतलब इसकी कंसंट्रेशन इज वेरी लेस, वेरी लेस. हमने बोला था पॉसिबल रिएक्शन यही ज्यादा होता है क्योंकि यहां पे ओवर पोटेंशियल इज नीडेड, ओवर पोटेंशियल इज नीडेड. और एक बात सोचना यार, क्लोरीन थोड़े से हैं, थोड़ा सा क्लोरीन होगा, OH बहुत सारे होंगे क्योंकि डाइल्यूट है ना, वेरी डाइल्यूट. तो भैया जिसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये मान लो दसवीं पहुंच गए है ना, दस ये ऑक्सीडाइज भी हो गए, ये उसके बजाय हजार होंगे, वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इसकी, कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, ये ज्यादा पहुंचेंगे तो ये प्रोडक्ट ये भी बनेगा, लेकिन ये लेस और ये ज्यादा, तो मेजर प्रोडक्ट यही लिखेंगे है ना. मान लो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, दस ये बन गए, तो ये लिखोगे कि ये लिखोगे? तो अब बोलोगे बिकॉज हियर कंसेंट्रेशन इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, देयरफॉर मेजर रिएक्शन, मेजर रिएक्शन इज ऑफ वॉटर. यानी हम ये ना लिख करके ये लिख देते हैं भाई, ऑब्वियसली होगा यही, पर यार ये एक बनेगा, वो 25 बन जाएंगे उतने में, चाहे ओवर पोटेंशियल क्यों ना हो, पर कंसेंट्रेशन भी तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पॉसिबल रिएक्शन ये ना हो कि ये हो जाएगा. यानी तीसरी बात होगी, चौथी बात होगी कॉन्सेंट्रेशन, चौथी बात क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन. जिस चीज की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक, दैट इज प्रेफरेबली, प्रेफरेबली डिस्चार्ज, यहां प्रेफरेबली ये डिस्चार्ज हो जाएगा देन दैट ऑफ क्लोरीन, क्योंकि कंसेंट्रेशन इज वेरी हाई, कंसेंट्रेशन इज वेरी हाई, ठीक. और एट कैथोड, एट कैथोड, बेटे कैथोड पे तो ऑब्वियसली हमें पता है वैसे रिडक्शन पोटेंशियल एच पॉजिटिव का ज्यादा है, अभी तक पढ़ी रहे हैं, तो एच पॉजिटिव ज्यादा होने की वजह से हम इसका ही रिएक्शन शो करते होते हैं. पहले एच और एच और एच जुड़ेगा, बना लेंगे एच टू. यानी इसकी जगह सीधे वाटर का भी लिख सकते हैं रिएक्शन, वाटर इज टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, चेंजिंग इनटू एच टू प्लस टू ओ एच नेगेटिव. दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिख दोगे, छुट्टी पालोगे, ठीक, चाहे आप ये लिख दो और चाहे आप ये लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख दो. तो बेटा कंसेंट्रेशन भी डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है. तो बेटा मैंने NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस तुम्हें बताई, सबसे पहले मोल्टन, फिर बताई डल्यूट यानी एक्वस, फिर इलेक्ट्रोड चेंज करके, और लास्टली कंसेंट्रेशन. और मैंने बोला कि ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज एन आयन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में होना सिर्फ क्या है, आयन का डिस्चार्ज, तो पोटेंशियल नीडेड फॉर डिस्चार्ज एन आयन इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो कब से कम होना चाहिए. तो वो रिडक्शन पोटेंशियल पे, ओवर पोटेंशियल पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता था, चार चीजों पे डिपेंड करता था.
डेफिनेटली टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, पर चार मेन चीजों पे डिपेंड करेगा। पर सर आपने तो इतना कुछ बताया हमें उस समय तो पता चल गया, पर अब हमारे को कैसे पता चलेगा है ना, इतना सारी जगह पे कैसे करेंगे सर? तो शॉर्टकट ये मिटा दो जी। यस सर। तो अब देखना बेटा कैसे आसानी से देखना है। चलो डिस्चार्ज प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो तो ठीक है, पर उससे तुम्हें समझ में कख नहीं आएगा, प्रोडक्ट फिर भी नहीं बना पाओगे। ठीक, तो मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूं। आपने डिस्चार्ज कौन सा आयन करना है? देखो बेटे एनोड पे और कैथोड पे देखना है। कैथोड पे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देख लेना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर होगा वो डिस्चार्ज करवा देना और कुछ मत देखना। कैथोड पे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो डिस्चार्ज करवा देना। ठीक, एनोड पे जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता हो उसको डिस्चार्ज करवा देना। एनोड पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होगा, ठीक, ऑब्वियसली एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज, जिसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा है, यानी मेटल्स पहले रखना नॉन मेटल बाद में रखना। कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल देख लेना। मर्करी इलेक्ट्रोड पे नॉन मेटल्स आर नॉट डिस्चार्ज, नॉन मेटल की जगह हाइड्रोजन बोल लो, हाइड्रोजन इज नेवर डिस्चार्ज, नॉन मेटल ना बोल के हाइड्रोजन ही बोल देते। ठीक, तो मर्करी अगर कभी आ गया तो उस पर हाइड्रोजन कभी भी डिस्चार्ज नहीं करना। और इफ कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन देख लेना, वेरी हाई कंसेंट्रेशन डिस्चार्ज इजिली, उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। अब इन्हीं चारों इलेक्ट्रोलिसिस को जो भी किया था ना, इस फंडे से देखते हैं। पहले था मोल्टन NaCl, मेरे पास था NaCl विल ब्रेक अप इनटू Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव और कुछ था ही नहीं। तो एट एनोड, अब एनोड पे अनायन ही आने हैं और कोई है ही नहीं, तो Cl1 नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और Cl और Cl जुड़ के हमेशा क्लोरीन बनाएंगे, बात खत्म। और एट कैथोड, अब कैथोड पे मेरे भाई आया ही कौन, कैथोड पे आया ही कौन, सोडियम 1 पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ आयंस, नेगेटिव की तरफ कैटायंस। ठीक, इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम बन गया, तो कोई नई चीज नहीं थी। हाँ, एक्वस NaCl NaCl Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, वॉटर H1 पॉजिटिव OH1 नेगेटिव। ठीक, पहले यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड जिसमें मर्करी ना हो, ठीक, ऊपर वाला फंडा लगाना है एट एनोड पे अनायन आने, ये दो ऑक्सीजन के मुकाबले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो क्लोरीन आसानी से ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं। एनोड पे क्या देखना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, तो क्लोरीन आसानी से हो गया, क्लोरीन और क्लोरीन जुड़ा Cl2 बन गया। एट कैथोड पे सिर्फ क्या देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, लिटिल केदार भाई का, नमक राम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है, हाइड्रोजन सबसे नीचे, तो यहां प्रेफरेबली H1 पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन लिए हाइड्रोजन बना दिया, लॉजिक, कोई दिक्कत ना। एट मर्करी इलेक्ट्रोड्स
हमारे पास Na Cl will be giving us Na1 positive, Cl1 negative. Water is giving H1 positive, OH1 negative. अगर हमारे पास एट एनोड और एनोड पे मान लो सोडियम अमलगम है तो तीन चीजें हैं. थोड़ा सा दूर चला गया है तो थोड़ा मैं इधर समझा लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये मिटा दूं भाई, ये तो लिख दिया होगा. देखो जरा फटाफट से, एट मर्करी इलेक्ट्रोड्स NaCl giving us Na1 positive, Cl1 negative, and water is giving me H1 positive, OH1 negative. At anode, और ये सोडियम अमलगम का एनोड है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला यहां तो क्लोराइड है या OH है या सोडियम है. बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव. एनोड पे क्या देखना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. क्लोरीन में से कौन, सोडियम लड्डू. मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा देन दैट ऑफ नॉन मेटल. तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, Na1 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निकल गया. ये एट एनोड. और एट कैथोड, कैथोड पे ये दो आयन है. कैथोड पे क्या देखते होते, रिडक्शन पोटेंशियल. हाँ जी, तो H1 पॉजिटिव टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन गिविंग अस H2. सर वहां पे एन एन सर एन ए आ गया, सीएल नहीं आएगा वहां पे ऊपर एनोड पे. अरे यार मर सोडियम अमलगम का नहीं है लड्डू. अच्छा 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 अच्छा, क्या पहले बताया नहीं हुआ ये सोडियम अमलगम हमारे पास है तो मेटल जो होते ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते देन क्लोराइड एंड ओएच. अगला देखो, इसी तरह से वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट NaOH या NaCl. तो वेरी डाइल्यूट NaCl में NaCl विल ब्रेक अप इनटू Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव एंड वाटर विल गिव अस H1 पॉजिटिव, OH1 नेगेटिव. वेरी डाइल्यूट में इनकी कंसंट्रेशन वेरी लेस, तो इनको सोचने का नहीं. एट एनोड, एनोड पे किसका रिएक्शन, इसी का 4OH नेगेटिव गिविंग अस H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. हमेशा OH कैसे लिखते हो, या वाटर के टर्म्स में लिख सकते हो. और एट कैथोड, एट कैथोड इन दोनों में से हमने यही देखना क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगी और हाइड्रोजन बन जाएगी. अब देखो बेटा, ले देके फंडा तो यही लगा दिया मैंने, चाहे पढ़ाया मैंने आपको किसी भी तरह से होगा, ओवर पोटेंशियल पढ़ाया होगा, सब कुछ पढ़ाया होगा, किस लिए कौन सा रिएक्शन कहां पे नहीं होता बताया होगा, पर फंडा इज वेरी सिंपल. एनोड के केस में आप सिर्फ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी देख लो, कैथोड के केस में सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देख लेना. हाँ, अगर मर्करी का इलेक्ट्रोड हुआ तो हाइड्रोजन को कभी डिस्चार्ज नहीं करवाना और बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन जिसकी होगी उसको डिस्चार्ज करवा देना. एक खास बात समझ लेना, सल्फेट, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स ऐसे आयंस आर नेवर डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज नहीं होते. जब भी सॉल्यूशन मिलेंगे तो OH इसके मुकाबले डिस्चार्ज होंगे, कभी नहीं होंगे. बहुत स्टेबल आयंस होते हैं क्योंकि इनमें रिजोनेंस होती है. तो कभी भी ऐसे आयंस होंगे तो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे. सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट एटसेट्रा, दे आर नेवर डिस्चार्ज. बेटा क्लियर? यस सर, यस. पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आज इसी को दोबारा से पढ़ना, दोबारा से समझना. मैं आज ही इस लेक्चर को अपलोड करता हूं, इसके बाद इसको दोबारा देखना, दोबारा समझना, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे लेके जाऊंगा दुनिया में. और दुनिया में ऐसा कोई इलेक्ट्रोलिसिस अगर हुआ ना जो तुम्हें नहीं आता होगा तो मेरे को पकड़ लेना, ठीक, बशर्ते ध्यान से समझना. ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं सर? ये दोबारा बता दो, SO
एसओ वाला, सोडियम नाइट्रेट वाला, ये एसओ। अगली बार तुम्हें बताऊंगा इसको, ये याद रखना कहीं पे भी सल्फेट आ जाए, नाइट्रेट आ जाए, कार्बोनेट आ जाए तो उसको डिस्चार्ज नहीं। ओके सर, ठीक, वो अगली बार बता दूंगा तुम्हें इसके साथ भी। जैसे कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में करके बता दूंगा तुम्हें, सो उसमें कभी भी सल्फेट डिस्चार्ज नहीं होता। ऐसे नाइट्रेट की देखेंगे, नाइट्रेट डिस्चार्ज नहीं होता, तो कोई भी चीज इनमें से सल्फेट नाइट्रेट कार्बोनेट ये डिस्चार्ज नहीं होती। तो नेक्स्ट, हाँ जी बेटे बोलिए। सर आपने बोला था कि Fg जो मर्क्यूरी की इलेक्ट्रोड होती है उस पे H2 कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता, तो सर उसके नीचे वहां सर आपने कैथोड पे तो H कहीं नहीं दिखाया हुआ डिस्चार्ज, सर ऊपर, सर उससे ऊपर यहाँ पर, यस सर, तो यहाँ तो बेटे सोडियम को डिस्चार्ज किया, नहीं सर कैथोड का नहीं है, ये इलेक्ट्रोड मर्क्यूरी कास्टर कैलर सेल में कैथोड इस चीज का मर्करी का नहीं होता, नॉट मर्करी, तो मैंने हाइड्रोजन किया। okay, अगर मर्करी का होता तो मैं सोडियम करता। ओके सर, ठीक है बेटे, अगर इफ मर्करी लिख ही देता हूं मेरे भाई, तो ये ना करते उल्टा सोडियम वन पॉजिटिव टेक इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू सोडियम, ऐसा कर लेते अगर मर्करी होता तो। क्लियर बेटे? यस सर। चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं।